हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, मतलब वही 10:15 हो रहे होंगे। आफ्टरनून भी नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है। तो रियांश का ना अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बस उसको ले जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हम दोनों ने नहा लिया था, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मीशो को तैयार करके छोड़ देती हूँ ताकि वो अपना तैयार रहेगी ना। तो क्योंकि ना उसका सुबह का टाइम होता है नैप का, तो अगर वो सो भी जाएगी तो जब मुझे लेने जाना होगा 10:30 बजे करीब, 11:15 बजे, तो मैं ना डायरेक्ट उसको उठा स्लीपर पहना के सोते हुए में और उठा के लेके चले जा सकती हूँ। और ऐसे नहीं, मैं ना वो जब सो जाती है और तैयार भी नहीं रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर ना उसको उठाओ तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो जाती है, रोने लग जाती है, बाल भी नहीं बनवाती है। और वो घर पर ना बिल्कुल भी बाल नहीं बनवाती है। जब बाल बनवाती है तब जब उसको कहीं जाना होता है और उसको पता चल जाता है कि बाल बन रहा है, तो मतलब मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो अब उसके भी रूटीन में आ गया है कि दोपहर के टाइम मेरे भाई को लेने के जाना होता है और उसको भी याद है, तो बोलती है भैया पास चले, भैया पास चले। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ना नहला दिया था, कपड़े तो पहना रखे, तो तेल लगा दिया। और देखो उबास ले रही है क्योंकि उसको नींद आ रही है, तो नैप का टाइम ही है उसका, बट सोती नहीं है जब तक मैं लेके आती हूँ ना। उसके बाद ये 1:30 बजे 2 बजे इस टाइम सो जाती है खाना खा के, लंच करके। तो बस अभी ना इसको बहुत ज़्यादा पतले बाल है क्योंकि अभी एक बार भी मुंडन नहीं हुआ है और ये 2 साल की हो चुकी है, तो बस तीसरे में लगी है। तो हमारे में ना ससुराल के साइड में 3रे साल में होता है, और मायके में तो मायके में ना कोई मन्नत रखा है तो ही होता है, वरना कभी भी करा देते हैं। तो बस अभी हम दिवाली तक जाएंगे, तो उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमारे में कैसा ससुराल के साइड कैसा होता है। क्योंकि मैं जो हूँ मतलब बिहार के साइड हूँ और मेरे ससुराल जो है यूपी के साइड, तो इसलिए तो बस इसलिए कम इसके बहुत पतले बाल है, बहुत ज़्यादा पतले। और रियांश का भी सेम यही था, जो पेट के बाल थे ना वो बहुत पतले थे, अब उसके बाल बहुत अच्छे हो गए मुंडन के बाद। तो बस ये तैयार हो चुकी है, अब मेरी बारी है, मैं तैयार होऊंगी, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि फिर यहाँ से लेके रिक्शा भी करना पड़ता है। तो बस फिर तैयार हो गई, अपना ये खेलती रहेगी और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। एंड गाइस, मेरा ना थोड़ा सा आवाज़ डाउन डाउन सा लग रहा होगा क्योंकि ना कल से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, और कल ही हम दवाई लेके आए हैं लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं हुआ। और खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सूखी हुई खांसी आ रही है, ऐसा नहीं कि मतलब जो बलगम वाली खांसी होती है वो भी नहीं, सूखी हुई खांसी आ रही है और गले में खराश सी हो रही, दर्द हो रहा है। तो दवाई लेके आए, उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो रियांश की दवाई थी ना टैबलेट, तो उसको आधा करके देती थी, उसी में से फिर मैंने ना एक खा लिया एक, तो अभी थोड़ा सा आराम है अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए बारिश ना एक हफ्ते मतलब रेगुलर ही हो रहा है, एक हफ्ते नहीं रेगुलर ही हो रहा है, मैं जब से 3 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए रेगुलर हो रहा है। तो बस उस बारिश के मौसम के लिए मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो बस हम तीनों ने पॉपकॉर्न खाए और काफ़ी यम बना था। तो इवनिंग के टाइम ना चाय मैंने बना लिया था क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब मुझे लग रहा था कि होने खरास सी, तो बस चाय पी ली थी, चाय बना ली थी। साइड में मैंने ना आलू और अंडा बॉईल होने के लिए रख दिया था ताकि जब तक चाय पियूंगी तब तक अंडा और आलू बॉईल हो जाएगा, तक मैं फिर खाना भी बना लूँगी लगे हाथ। और यही 5:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो फिर बस चाय वाय पी और फिर यहाँ पे मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई, साथ में चावल हस्बैंड के लिए तो चावल और हमारे लिए रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे अंडे को फ्राई कर लिया था, उसके बाद तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया है और प्याज डाला है बारीक कट करके, और फिर से लहसुन का पेस्ट डाल दिया कूट के ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया, वो भी चॉप्ड करके, तो मतलब थोड़ा छोटा छोटा बारीक कट करके, और इसको इसमें इसी के साथ ना मैं सारा मसाला भी डाल देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से ना इसका तेल ना निकल जाता है। नमक डालने के बाद ना तेल जो छोड़ता है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसाले में। उसका देखिए तेल निकल गया, मैंने आलू डाल दिया, 2 या 3 ही आलू डालता क्योंकि रात के टाइम ना ज़्यादा सब्ज़ी बना लूँ ना तो बच जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो मुझे ही खाना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने बहुत कम सब्ज़ी बनाई थी। और हस्बैंड का क्या है, वो अंडे का ना ऊपर का हिस्सा खा लेते, अंदर का जो होता है ना उससे नहीं खाते, तो इसलिए बस यहाँ पर रोटी बनाई साथ में। और सब्ज़ी भी देखिए मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया, पानी डाल के बस थोड़ा सा बॉयल करना है। और देखिए कितनी कम सब्ज़ी बना रही क्योंकि बच्चे भी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाते, आलू थोड़ा सा वो खाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए आलू डाला थोड़ा सा। और यहाँ पर बस अंडा डाल दिया और बॉयल आने लग गया था तो अंडा डाल दिया, और इसको ढक के 2 से 3 मिनट पकाऊँगी जब तक मैं रोटी भी बना लूँगी, सेक लूँगी साइड में। और सब्ज़ी सही बताओ तो काफ़ी टेस्टी बना था, यम्मी बनाना था, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो